इस तरह है कि यह एक टोटली बेबुनियाद मन घड़त कहानी बनाई है किसी ने बैठ के सोच के एक षडयंत्र है मैनू बदनाम करन दा। होर इहदे च कढ़ना पाउण नू या निकल नू कुछ नहीं है, सिर्फ मैनू बदनाम करन लई भंडी प्रचार लई यह एक जुमला छड्डिया। मेरे मुंडे का ब्याह है जिहड़ा वह 10 अक्तूबर नू होया है, उदों फंक्शन की कोई गल भी है नहीं सी, ना कोई अजे फंक्शन की तैयारी सी, ना कोई डेट फिक्स हुई सी, ना कुछ होया सी। उस तो एक महीना 10 दिन यानी कि 19 अक्तूबर नू जाके यह फंक्शन हुंदा है, तो फंक्शन और इहदा आपस कोई संबंध नहीं है। बिना मतलब तो एक बदनामी देन वास्ते और ऐसी घिनौनी इल्जाम लगाए है जिहड़े कदे कोई सोच भी नहीं सकता बंदा कि असी चमकौर साहब के किसी फंक्शन चो असी अपने मुंडे के ब्याह वास्ते पैसे कर लाँगे। यह एक बहुत ही माड़ी गल की है, इन्होंने इल्जाम लाने कोई चज दे लगान मैनू फड़ना फड़ लेन, लेकिन इस तरह दियाँ जिहड़ियां बदनामियां देनियां इन्हां दा कोई मतलब नहीं बनता किसी तरह भी। एक किसी तरह की भी गल जायज नहीं है, ये तो एक किस्म का हराम है यहाँ जा पैसा घर दे विच लेना या पैसा आना। विजिलेंस वालों जब तो मैं उतरिया उदों तो ही तैयारियां आरंभिया हुई हैं कि जे इहनू किस तरह फड़ना है। पहले दिन मैं मूसेवाला साहब के घर गया, उत्थे मैनू रास्ते विच टैलीफोन आ गया कि जे तुसी उत्थे गए असीं तुहानू अरैसट करना है। उस तो बाद मेरे बैंक खाते, मेरे जमीना, मेरे पास क्या है क्या नहीं है, तसीलां परोलियां जा रही, लोगों तो पूछा जा रहा, हर तरीके की तहकीकात जी चारे पासे मेरी विजिलेंस जी है वह कर रही है। लेकिन मैं कहना जी करो, धक्का ना करो, फिर भी जे तुसी करना चाहते तो मैं वो वास्ते भी तैयार है। मैं हूँ इतने घर सौंदा, फिर जिते तुसी सिलाई करोगे उत्थे सौ जाएगा। मैं इन गल्लां वास्ते मन बना के आया हुआ, जिन्नी देर तुसी मैनू रखना चाहते हो रख सकते हो। एक देखो ये है कि बदलाखोरी की भावना है, सरकार कोल होर कुछ है नहीं, सिर्फ ये है कि जी सारा दिन खबरां दे विच इदां दीआं गल्लां चलाई जाओ। यह कोई करप्शन मुक्त पंजाब नहीं हो रहा, कांग्रेस मुक्त पंजाब करन दी कोशिश की जा रही है। हुण इलैक्शन है अगे इन्हां दे, इस करके हिंदू लीडर है जिहड़े साडे उन्हां सारिआं नूं, क्योंकि शहरी है, शहरां दे विच देखो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट लुधियाणे दा, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जलंधर दे जिहड़े चेयरमैन फड़ लए है, आशू पर केस है, उधर साडे अमृतसर वाले डिप्टी सीएम जिहड़े रहे उन्हां नूं बुलाया जा रहा है। हिंदू लीडरशिप सारी खत्म कर रहे कांग्रेस की, इस तरह दूसरे जेडे लोग ज़्यादा कांग्रेस को वोट देंदे सी उन्हां दी लीडरशिप नूं खत्म करन लगे भी। सो यह एक बहुत बड़ी साजिश, और हालांकि इहदा कुछ नहीं बट्टिया जाना इन्हां लोकां दा, इहदे नाल कुछ नहीं होना। मेरे ते पहला भी इस तरह के अटैक हो चुके है, इस तरह दियां पहला भी घटनावां लीडर सरकारां ने करके देख लिया। 2007 दे विच मेरे भरा नूं अंदर रख्या गया सी, 6 महीने सानू घर नहीं सौण दिता, सारा साडा घर पट्टता, ते मेरा भरा नूं ओह टॉर्चर कीता जिहदा कोई मतलब कोई ना करे के इहो जिहा। रात नूं कुर्सी डाके एक थानेदार सेंटर च बैठ जांदा सी, मेरे भरा नूं कहिंदा सी सारा सारी रात इस तरह चली जा उहदे नाल, क्या क्या उहनूं तसीहे दित्ते। उस तो बाद निकलिया कुछ भी नहीं, उसे सरकार ने वो केस वापस लिया। फिर कोई एक नहीं है, पिछली साड़ी कांग्रेस सरकार विच किन्नी बार मेरे ते अटैक हुए है, मैनू कदे कहंदे सी तेरे ते परचा दर्ज करना, कदे कोई इल्जाम झूठे सच्चे बदनामियां बिना मतलब दियां। लेकिन यह असी अपने पिंडे ते सहांगे, मैं किसी कांग्रेसी भरा नूं, किसी वर्कर नूं, किसी पंजाब दे लोकां नूं अपील करके कोई मुजहरे नहीं करने। मैं किसी नूं नाल नहीं लेके जाना, मैं अपने पिंडे ते सहांगा। मैं मुख्यमंत्री सी, पार्टी ने 3 महीने वास्ते बनाया, 70 साल दे किन्ने मुख्यमंत्री रह ले, 15-15 साल भी रहे है, लेकिन सारयां दे उपर 3 महीने भारी होए वे, 3 महीने वाले नूं नोच लो, 3 महीने वाले नूं खा लो, 3 महीने वाले च पता नहीं क्या कर गया। गिलजियां जी 3 महीने बेचारे मंत्री रहे,
क्या गंजीरे नहा लिया क्या निचोड़ लिया, जेडे बीबी सारे उन्होंने कोई पुछता नहीं। 3 महीने सारे बरपारी हो गए, 3 महीने च सारा कुछ लुट हो गया पंजाब। ये सारी एक बड़ी भारी साजिश है। हूँ मैं आया सोशल मीडिया के लोगों ने वो कमेंट चंगे करते कहते जी इसनू घेरो, ये कोई तरीका यार, फिर भी घेर लो, तुसी अपना मन पूरा कर लो भाई, जिस तरह मेरे नाल करना चाहते कर लो, मैं कोई विरोध नहीं करता, मैं कोई पब्लिक दे विच नहीं जाता, मैं पब्लिक नू नहीं लेके आता, सारे का धन्नवाद है जो तुसी करना चाहते करो। सारी गेम ही मेरे ते सी, मैनू ही उस टाइम भी षड्यंत्र किए गए, हुण फिर षड्यंत्र किए जा रहे। अपनी पार्टी नहीं कोई है षड्यंत्र करा रहे? नहीं मैं नहीं ऐसी मैं इस गल अपनी पार्टी लोगों अपने इलाके अपने परिवार नू नहीं पाना, मैं अपने पिंडे ते ही सहनी है। चन्नी साहब तुसी इलेक्शन तो पहला भी गल करदे सी मैनू गिरफ्तार कीता जा सकदा है, हुण भी उही गल आ रही है, पहला कीदा डर सी और हुण कीदा लग रहा है कि मैनू देखो जी ऐदां दी कोई गल नहीं है। ये मैं थोनों पहले ही दसता सी कि मेरे मैनू तां ये लोग अग विच पा के जिस तरह लोहे नू लोहार अग च पहला गर्म करदा फिर उपर थोड़े मार के पक्का करदा फिर जाके वह तिखा हुंदा ते वो हुंदा उस तरह तपा रहे। मैं तो कहना चंगा मैं पक्का करो, धन्यवाद। ब्रेकफास्ट लैके भी सवाल उठे ने कि 60 लाख रुपए तक का जो खाना है वो तुसी 3 महीने दे विच लिता है, ताज तक तो तुहाडा खाना आंदा सी, इस तरीके दा कोई आदमी वीर जी मैं ना कदे जिंदगी शराब पीती है, अंडा मीट मैं नहीं खांदा, मैं कोई नॉन वेज किसी तरह का नहीं खांदा, सिंपल सादी रोटी मूंगी मसरी की दाल नाल खांदा है। जे तुहानू शक है तो मेरे घर जाके पुछ लो, या मेरा घर की रसोई देख लो, मेरी घर की रसोई दे विच चंडीगढ़ भी मेरा खाना अलग बनता सी, मेरा बाहरों किते ते खाना कदे ना आया, ना मैं कदे मंगाया, ना ही मैं अपने रात नू कदे डिनर पर गैस्टां नू बुलांदा, क्योंकि मैं शराब पिला नहीं सकता, पिलाउंदा ही नहीं किसी नू, ना मैं आप पींदा, नॉन वेज मैं नहीं खड़ा सकता, इस करके ये सारियां ढकौंसलेबाजियां। जे किसी ने सीएम हाउस च खाना खाधा तां पंजाब दे लोकां ने खाधा, मैं कोई अपने बाहर तो बंदे तां लिआया नहीं खाने वास्ते, वो बाहर खाना जिहड़े लोग आउंदे सी उहनां वास्ते लगदा सी, इहनां दे घर कोई जांदा नहीं है नहीं खाना लगदा। मैनूं कोई पता नहीं जी, मैनूं एक बार बुलाया सी, मैं तो जो पूछे मैं दस के आ गया। देखो जी ये हर किसी तरह के मेरे से सवाल करनगे, हर तरह के नाल मैनूं बदनाम करनगे, हर तरीके की मेरे से साजिश होएगी, हर संकट चो मैनूं कढ़िया जाएगा, हर कुछ करनगे जो कर सकते है, और मैं कहना जी थोड़ी मर्जी। तुहाडे भांजे दा नाम आया कि जिहड़ी वो कोई अज दी गल नहीं यार, अज दीआं गल्लां नहीं है, इन्हां ने हर तरीके नाल किसे ना किसे तक रिश्तेदार या किसे दे थ्रू फसा लेणगे, लेकिन मैनूं कोई ओहदे किस चीज़ दा बदलाव तुसीं देखिआ इस सरकार दे? बदला ही देख रहे देखो, ये पंजाब के लोगों को ज्यादा पूछ सकते हो, अज पंजाब रहना दुर्भर होया है, हर कोई पंजाब छड़ के जाना चाहता, गलियां दे विच बैंड पै रहे, घर के बेड़ियां दे विच, ये कोई पंजाब का हालात नहीं है, पंजाब इदा का साड़ा नहीं सी, ये रंगला पंजाब नहीं है कि बैंड पैन लोगों के, रंगले पंजाब दे विच गिद्धे भंगड़े पेंदे है, रंगले पंजाब दे विच लोग बारां गाउंदे है, इत्थे तां बैन पै रहे हैं, मूसे वाला कोई आम बंदा सी जिहड़ा मर गया, आ एक हिंदू परिषद का बंदा मर गया मारता, वो कोई आम बंदे है? पंजाब नूं बर्बाद करना है इन्हां लोकां ने। मैं फिर कहना ये लड़ाइया लड़ूइया नूं छड्ड के पंजाबी अज पंजाब जिहड़ा संकट दे विच है, पंजाबी एक मंजे ते कट्ठे हो जाए, एक परिवार दे विच संकट आउंदा ना वो एक मंजे ते कट्ठे हो जांदे, पंजाबी इकट्ठे होण तां इह संकट चों निकलांगे, जिस तरह दे अगले दिन दिख रहे। चन्नी साहिब तुसीं सड़क ते लैके जाओगे जिहड़े गणा? चन्नी साहिब तुसीं सोशल मीडिया दा जिक्र कीता, इक मजाक तों डराया गया छल्ला मुड़ के नहीं आए दे नाल, तुसीं वी पोस्टां काफी दिखी होणगीआं, भगवंत मान ने
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਗੂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਹਟ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ 'ਚ ਉਤਰੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅੰਦਰ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲੀ ਕਿ ਟੰਗਣ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ 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 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਟੋਰਚਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ।